तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लास नाइन्थ का और मैथ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लास नाइन्थ का मैथमेटिक्स गणित का ये ओरिजिनल प्रश्न आ चुका है। इस वीडियो में मैं आप सभी को सब्जेक्टिव बताऊंगा पूरा का पूरा। चलिए हम जल्दी से चलते हैं और सब्जेक्टिव पूरा का पूरा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा हो चुका है। ठीक है, अब सेक्शन ब, यहाँ पर आप लोग देखिए सेक्शन ब जो है इसमें आप लोग को पूरा का पूरा यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे पूरा का पूरा सब्जेक्टिव यहाँ पर आप लोग को कराया जाएगा इस वीडियो में। और इसका आंसर भी यहाँ पर आपको पूरा का पूरा बना कर यहाँ पर दिखाया गया है, पूरा आप लोग देख सकते हैं। जितना भी आपको आंसर बनाने हैं पूरा का पूरा लॉन्ग टाइप पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पर बना दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग को करना क्या है, तो आप लोग को करना यही है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में और लाइक इस वीडियो को जरूर से जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं और बारी बारी से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसका आंसर आप लोग को बताएंगे। चलिए यहाँ पर आप लोग देखिए सेक्शन ब यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न लघुतरीय, सॉरी सेक्शन बी यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लघुतरीय प्रश्न। ठीक है, चलिए एक प्रश्न एक से दस तक लघुतरीय प्रश्न है जिनमें पाँच प्रश्नों का उत्तर देना है, दो अंक निर्धारित है। चलिए यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया 0.79 को भिन्न में रूप में व्यक्त करना है, भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। चलिए इसका आंसर यहाँ पर दे दिया गया है सिंपली से, इसका आंसर नहीं दिया गया। देखिए यहाँ पर पहला का आंसर नहीं दिया गया क्योंकि 10 को क्वेश्चन बनाना है आपको, जो मर्जी करेगा वो बनाइएगा अपने मन से। ठीक है, तो यहाँ पर दो का आंसर हम दिए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं जो मर्जी करेगा जो आसान लगेगा आपको वो दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर दो नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि रूट दो रूट तीन और रूट छः का गुणनफल ज्ञात करें। चलिए इसका गुणनफल हम ज्ञात किए हैं, इसका आंसर हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सिंपली से दिया गया है यहाँ पर रूट दो रूट तीन और रूट छः का गुणनफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए रूट दो गुना रूट तीन गुना रूट छः लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर रूट में गुना जब किया जाता है तो जितना रूट में रहता है वो एक रूट में आ जाता है, यानी कि देखिए रूट छः गुना रूट छः क्या हो जाएगा बाबू, तो सिक्स। इसका आंसर जब गुणनफल ज्ञात कीजिएगा तो छः आंसर आएगा। ठीक है, दो का आंसर क्या आएगा बाबू, तो छः आएगा, यहाँ पर आप लोग पूरा का पूरा देख सकते हैं। ठीक है, आंसर आप लोग चाहेंगे तो स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। चलिए उसके बाद में हम नेक्स्ट नेक्स्ट किसका बनाया गया वो देख लेते हैं, तीन नंबर नेक्स्ट तीन नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तीन नंबर क्वेश्चन दिएगा, इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा आप लोगों को वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो को लास्ट में। चलिए यहाँ पर देखिए दिया गया है तीन नंबर क्वेश्चन, दिया ब्रैकेट अंदर दिया गया रूट तीन माइनस रूट सात का वर्ग निकालना है, क्या निकालना है तो वर्ग निकाल देना है सिंपली से। ठीक है, तो वर्ग कैसे निकाला जाता है चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर चलिए नीचे चलिए यहाँ पर देखिए निकाल दिया गया है यहाँ पर रूट तीन माइनस रूट सात का वर्ग निकाल देना है। तो जब वर्ग पूछा जा रहा है इसका मतलब क्या है, तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यानी कि रूट के अंदर में रूट तीन माइनस रूट सात का स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद में यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग पढ़े ही होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है, इस तरह से आप टू ए बी इस तरह से करके आप लोग जब बनाइएगा तो इसका जब आंसर आएगा यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो आएगा आठ रूट इक्कीस आंसर आएगा। ठीक है, क्या आएगा तो आठ रूट इक्कीस यानी कि आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, चलिए तीस को बना दिया गया तीन का आंसर, यहाँ पर आप लोग स्क्रीन शॉट चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूरा का पूरा आपको दिख रहा होगा। चलिए उसके बाद में यहाँ पर किसका बनाया गया है तीन के बाद में, तो चार नंबर प्रश्न। ठीक है, चार नंबर प्रश्न हम देखेंगे क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं पहले। ठीक है, चार नंबर प्रश्न दिया गया यहाँ पर, ध्यानपूर्वक देखिए आप लोग और लाइक करते चलिएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया कि यदि ए बराबर रूट तीन माइनस रूट टू हो तो ए प्लस वन बाई ए का मान क्या होगा, ए प्लस वन बाई ए का मान क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो चलिए इसका आंसर यहाँ पर हम दे दिए हैं सिंपली से, तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर चार का उत्तर दिया गया है, ए बराबर रूट तीन रूट दो तो ए प्लस ए बी का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर सिंपली से हल लिखना है, उसके बाद लिखना है ए प्लस वन बाई ए, उसके बाद में क्या बताया ए का मान लिखना है आपको, ए का मान दिया गया यहाँ पर रूट तीन, तो रूट तीन यहाँ पर लिख देना है माइनस रूट दो, रूट दो यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, प्लस ए बाई बी का मान क्या है, तो ए का मान फिर रखना है, ए का मान यहाँ पर दिया गया आपको कि ए बराबर दिया गया रूट तीन माइनस रूट दो दिया गया है। तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ इसका मान रखना है, ए का मान यहाँ पर इतना रख दीजिएगा और जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर निकल के आएगा जीरो। कितना आएगा, तो जीरो निकल के आएगा। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन आप लोग देख लीजिए, पूरा का पूरा यहाँ पर दे दिया गया है सिंपली से। ठीक है, तो इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा चार का। चलिए उसके बाद में छः का उत्तर दे दिया गया है। ठीक है, छः नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए सिंपली से देखिए आप लोग, दिया गया कि ए क्यू प्लस बी क्यू में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर में भाग दे। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू में उतना को भाग देना है। चलिए इसका आंसर छः का देखते हैं। ठीक है,
चलिए यहाँ पर दिया गया है सिंपली से 6 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से भाग दें, तो उत्तर यहाँ पर देखिए दिया गया है आंसर कि ए प्लस बी, ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ऊपर लिखना है और भागा में लिखना है, ठीक है, भागा में क्या लिखना है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखना है, ठीक है। जब कटा इसको भाग दीजिएगा तो ऊपर से ऊपर कट जाएगा, तो बचेगा आपका क्या, तो ए प्लस बी, जब इससे भाग दीजिएगा तो इसका आंसर आएगा ए प्लस बी आएगा, ठीक है। चलिए तो 6 का आंसर हो गया, उसके बाद में 7 का आंसर हम यहाँ पर दिखा देते हैं आपको। चलिए क्वेश्चन देखिए, पहले दिया गया है, ध्यानपूर्वक पढ़िए आप लोग, दिया गया है कि यदि त्रिभुज के कोण 1:2:3 के अनुपात में हो तो सबसे बड़े और सबसे छोटे कोणों के अनुपात निकाल देना है सिंपली से। चलिए तो 7 का उत्तर यहाँ पर आप लोग देखिए, 7 का उत्तर कहाँ गया, यहाँ पर देखिए, चलिए 7 का उत्तर यहाँ पर देखिए, दिया गया है यहाँ पर प्रश्न कि यदि किसी त्रिभुज का कोण 1:2:3 के अनुपात माना है कि उसके बाद क्या करना है, तो मान लेना है कि माना कि त्रिभुज के कोण यानी कि कोण ए मान लेना है, ए बराबर एक्स मानना है, ठीक है, कोण ए बराबर एक्स मान लिए, कोण बी बराबर क्या मान लिए, कोण बी बराबर 2x मान लेना है, उसके बाद में कोण सी बराबर 3x मान लेना है, ठीक है। तो अब आपको करना है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज निकालने के लिए 180 डिग्री का ही प्रयोग किया जाता है, 180 डिग्री लिख लीजिएगा। उसके बाद में देखिए ए का मान कितना रखा है, तो एक्स, तो ए के जगह पर एक्स, कोण ए के जगह पर एक्स लिखना है, और कोण बी के जगह पर 2x और कोण सी के जगह पर 3x बराबर 180 डिग्री, ठीक है, और तीनों को जोड़ दीजिएगा तो एक्स प्लस 2x प्लस 3x यानी कि ये एक्स प्लस 2x 3x और 3x 6x हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने सिंपली से 6x लिख दिया है और उसके बाद में 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो x इधर है, 6 के साथ गुना में है, तो 6 उधर जाएगा तो 180 डिग्री के साथ में, 180 डिग्री के साथ में भागा में जाएगा, तो कटेगा तो 30 डिग्री इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा बाबू, तो 30 डिग्री। अच्छा, इसका कोण a का जो मान आ रहा है, क्या पूछा जा रहा था, तो पूछा जा रहा आपसे कि कोण a, कोण उतना है तो कोण ए का मान निकालना है, पहले कोण ए का मान निकल गया, ठीक है। उसके बाद में सबसे बड़ा कोण यानी सी का मान पूछा जा रहा है, तो सी का मान पूछा जा रहा है तो 3 और एक्स मान लो कि यहाँ पर कितना 3x था, और एक्स का मान क्या आया है, तो 30 डिग्री आया है, ठीक है। तो एक्स का मान यहाँ पर देख सकते हैं 30 डिग्री आया है, और कोण सी का मान निकालना था तो कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, तो 3x हम लोग माने थे, क्या माने थे, यहाँ पर देखिए कोण सी बराबर 3x माने थे, तो कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुना, एक्स का मान कितना है, तो 30 आया है, तो 30 से गुना कर दो 3 में, यानी कोण सी का मान आएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सबसे बड़ा कोण का मान आएगा 90 डिग्री, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 7 का, ठीक है। तो आप लोगों का देखिए यहाँ पर हम बना दिए आपका 7 नंबर एक हो गया, ठीक है, उसके बाद में 6 नंबर 2 नंबर प्रश्न हो गया, ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गया, उसके बाद में 4 नंबर 3 क्वेश्चन हो गया, ठीक है, उसके बाद में 3 नंबर 4 क्वेश्चन हो गया, ठीक है, और उसके बाद में सिंपली से 2 नंबर यानी कि 5 क्वेश्चन बता दिए आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन 11 नंबर का आंसर यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है, 11 नंबर का आंसर यहाँ पर दिया गया है, उसके बाद में 12 नंबर, उसके बाद में 13 नंबर का आंसर दिया गया है, ठीक है। चलिए 13 नंबर हो गया, उसके बाद में 15 नंबर का आंसर दिया गया है, ठीक है, 11, 13 और 15 तीन को बनाना ही है आप लोगों को। चलिए यहाँ पर आप लोग सिंपली से देखिए, दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिया गया है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न 11 से 15 तक दीर्घोत्तरीय है, जिनमें कि 3 प्रश्नों का उत्तर दे, प्रत्येक अंक 5 अंक निर्धारित है, तो 3 गुना 5 है, ठीक है, यानी 3 को बनाना है। तो 11 नंबर प्रश्न का उत्तर बना दिया है, उसके बाद में 13 नंबर प्रश्न का, और उसके बाद में 15 नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ पर बना दिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम इसका क्वेश्चन तो आप लोग देख लिए, इसका उत्तर भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये 11 का स्क्रीनशॉट है, ठीक है, ये भले 11 का क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में यहाँ पर 13 का स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर 15 का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए सिंपली से, ठीक है। चलिए 3 क्वेश्चन यहाँ पर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बता दिया आप लोगों को, तो A to Z आप लोग का क्लियर हो गया सब्जेक्टिव भी, अब बात किया इंग्लिश का सब्जेक्टिव, तो वो भी जल्द नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहे हैं, तो आप लोग क्या कीजिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। अगर इसका PDF चाहिए, बात आती है PDF का, तो PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो लिंक पर क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।